नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल वन जीरो वन में मेरा नाम है संदीप कैसे हैं आप सभी लोग इस सेशन में एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग टू का हम सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं इससे पहले पाँच सात मिनट की सेशन ऑलरेडी शुरू हो गया था लेकिन स्ट्रीम की गलत होने के कारण यहाँ पर स्ट्रीमिंग दिखा रहा था लेकिन यूट्यूब पर वो नहीं जा रहा था तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम और अब साउंड अभी तो आ रही होगी चलिए तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग टू सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और आप सभी को पता है अन अकेडमी लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने ड्रीम एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों हाईवे इंजीनियरिंग जो है ये अभी शुरू हुआ है आज इसका पहला इंट्रोडक्शन सेशन था अगर आप पढ़ना चाहते हैं एस कैटेगरी में ये शुरू हुआ है अन पर संदीप जानी सर्च करना आप मेरी प्रोफाइल में आपको ये कोर्स दिख जाएगा और उस कोर्स में आप जाके एनरोल कर लीजिए अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको कोड यूज करना है संदीप डबल वन चलिए दोस्तों एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर बात करते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट ये 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 वाला जो चैप्टर है ना ये सबसे खतरनाक चैप्टर है ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा अजीब सा है थोड़ा सा समझने में यहां पर इसमें दिमाग पर जोर पड़ेगा तो इसीलिए इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे हम ठीक है आधा अब आधा नेक्स्ट सेशन के अंदर इस तरीके से ताकि आराम से हमें डाइजेस्ट हो जाए समझ आ जाए डाइजेस्ट नॉलेज हो जाए ये सारी चीजें नहीं अब बात करते हैं यूनिट ऑपरेशन क्या होते हैं और यूनिट प्रोसेस क्या होते हैं कोई भी जो हम फिजिकल अगर हम बात करें यहां पर फिजिकल प्रोसेस यूज करें कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें तो ऐसे जो भी एक्शन हम करेंगे ट्रीट करने के लिए सीवेज को उसे हम क्या बोलेंगे यूनिट ऑपरेशन जैसे वेस्ट आ रहा था तो स्क्रीन लगा दी आपने उसके रस्ते में तो आपने क्या कर दी स्क्रीनिंग कर दी तो ये एक यूनिट ऑपरेशन हुआ ये क्या है यूनिट ऑपरेशन एयर इंट्रोड्यूस करवा दी सीवेज में ताकि उसमें से गैसेस निकल जाएं तो ये क्या हो गया ये भी एक यूनिट ऑपरेशन हो गया स्क्रीनिंग एरेशन सेडिमेंटेशन इनके अंदर कोई भी आपने यहां पर एक्सटर्नल एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया तो इसे हम क्या बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं यूनिट प्रोसेस वो ट्रीटमेंट्स होते हैं यूनिट प्रोसेस वो ट्रीटमेंट होते हैं जिसके अंदर हम कोई ना कोई एजेंट को ऐड कर देते हैं जैसे बैक्टीरिया ऐड कर दिया कोई केमिकल ऐड कर दिया तो वो अब उस वेस्ट को ट्रीट करेगा यहां पर तो यूनिट यूनिट प्रोसेस प्रोसेस जो है process, वो है वो ट्रीटमेंट जिसके अंदर हम एक्सक्यूज यूनिट प्रोसेस वो ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहे वो केमिकल हो चाहे वो माइक्रोबियल हो चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास यूनिट प्रोसेस कहलाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं दो बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं यूनिट ऑपरेशन किसे कहते हैं यूनिट प्रोसेस किसे कहते हैं ऑपरेशन का मतलब कोई भी फिजिकल जो फोर्सेस हैं उनकी मदद ले रहे हैं आप यहाँ पर स्क्रीन कर रहे हैं एरेशन करवा रहे हैं सेडिमेंटेशन करवा रहे हैं अगर केमिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने इस्तेमाल किए तो ऐसे केस में आपके पास जो कहलाएगा वो क्या होते हैं यूनिट प्रोसेसेस वो कहलाते हैं यूनिट प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं पहला सस्पेंडेड ग्रोथ दूसरा अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस होता है सस्पेंडेड ग्रोथ समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे चाय बनाते हैं आप तो चाय के पतीले के अंदर आपने चाय जो चाय पत्ती डाल देते हैं आप आपने डाल दी अब वो उस पानी के अंदर कैसे फॉर्म के अंदर है वो उसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में है, हर जगह वो सस्पेंड हो गई अटैच करने का मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे टी बैग होता है आपके पास एक जो टी बैग आते हैं आजकल आप अंग्रेज बन जाते हैं तो टी बैग जो होता है उसको ऐसे रख लीजिए और उसके ऊपर से आप पानी गिराइए उसके ऊपर से आप गर्म पानी गिराइए तो वो एक अटैच्ड ग्रोथ यानी कि वो जो टी है वो टी उस सरफेस से उस बैग के अंदर अटैच्ड है और पानी जो है उसके कॉन्टेक्ट में आके फिर नीचे जा रहा है यहां पर तो सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस के अंदर क्या होता है आपका टैंक होता है और इसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया है सस्पेंडेड फॉर्म में है इस पानी के अंदर मतलब उसी के अंदर पूरे में इधर उधर मस्त घूम रहे हैं वो ये हो गया कौन सा सस्पेंडेड सस्पेंशन फॉर्म में है अटैच ग्रोथ के अंदर क्या होगा कि किसी एक वॉल के ऊपर मान लीजिए किसी एक फिल्टर के ऊपर एक सरफेस के ऊपर एक मैमब्रेन के ऊपर किसी भी एक लेयर के ऊपर बैक्टीरिया लगा रखा है आपने और आप क्या कर रहे हैं इसके ऊपर आप पानी जो है यहां पर डाल रहे हैं तो जिसके कारण ये वॉटर जो है उस बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो एक तो ये हुआ कि पूरे के पूरे मीडियम में पूरे के पूरे वेस्ट वाटर में ही आपने यहां पर क्या कर दिया उसको बैक्टीरिया उसमें काम कर रहा है वेस्ट को डीकम्पोज करने का और दूसरा क्या है कि ये वेस्ट वाटर को हम एक सरफेस के कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं इस सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट है है जो इसको करेगा यहां पर ठीक तो सस्पेंडेड ग्रोथ सस्पेंशन में प्रेजेंट है अटैच ग्रोथ मतलब किसी सरफेस पे अटैच कर रखा है सस्पेंडेड ग्रोथ के एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे जो हम पढ़ेंगे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ऑक्सीडेशन पॉन्ड एरेटेड लगून एटसेट्रा अटैच ग्रोथ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर्स आते हैं आपके पास रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे बायो फिल्टर्स आएंगे इनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों ओवरऑल अगर हम यहाँ पे पूरे प्रोसेस को समझें एक बार इसको देखना है इस डायग्राम को ध्यान से समझना है और उसके बाद यही चीज बार बार रिपीट होती चलेगी यही चीज जो है इन्हीं एक एक कॉम्पोनेंट को पढ़ेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस जो है वो समझ आता रहेगा सबसे पहले होते हैं यूनिट ऑपरेशन या यूनिट प्रोसेस जो आपके हैं वो शुरू होते हैं यूनिट ऑपरेशन की अगर हम बात करें यूनिट प्रोसेस की इनमें से कौन कौन से हैं यहां से शुरू हुए स्क्रीनिंग है ग्रिट रिमूवल है प्राइमरी सेटलिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस सेकेंडरी सेटलिंग एटसेट्रा एट एटसेट्रा एट ये सारे ऑपरेशन या प्रोसेस जो है इनके बारे में आपको यहां पर यह बता रखा है ठीक है तो यूनिट ऑपरेशन या प्रोसेस कौन कौन से हैं इनके नाम यहां पर आपको दे रखे हैं अब प्रोसेस को देखते हैं क्या हुआ सबसे पहले रॉ वाटर आया रॉ वाटर या सॉरी वेस्ट वाटर ऐसा वाटर जिसको ट्रीट नहीं कर रखा आपने तो वेस्ट वाटर आया रॉ वेस्ट वाटर इसे बोल देते हैं स्क्रीन लगी तो स्क्रीन लगने के कारण जो भी वेस्ट वाटर में बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज थी जो बड़े बड़ा कचरा था वो यहां से सेपरेट हो गया हट गया उसके बाद क्या हुआ आगे गया वेस्ट वाटर जो भी फ्लोटिंग मटेरियल स्क्रीन की अगर हम बात करें तो आपको वेस्ट वाटर के अंदर आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कोई प्लास्टिक की बॉटल जो हैं वो भी आ रही होंगी उसके अंदर कोई डेड एंड डिकेड एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो भी उसके अंदर आ रहे होंगे और कुछ भी बड़ा बड़ा जो वेस्ट है वो सारा आ रहा होगा तो यहां पर स्क्रीन ने उनको अलग कर दिया फ्लोटिंग मेटीरियल को उसने अलग कर दिया फिर उसके बाद दोस्तों आपके पास आया ग्रेट चैम्बर ग्रिट चैम्बर की अगर हम बात करें तो ग्रिट चैंबर क्या करेगा कंकर पत्थर को हटाएगा जिनका वेट ज्यादा है वो यहां से हट जाएंगे जो है वो हट जाएगी अब कंकर पत्थर से हम क्या समझते हैं इनऑर्गेनिक 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 वेस्ट वेस्ट जो हो जो होगा भी वाटर के अंदर कंटेंट है उसको वो क्या कर देगा हटा देगा यहां पर ग्रिट चैम्बर हटा देगा उसके बाद ये वेस्ट जो है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा नाम से ही समझ में आता है सेडिमेंटेशन होना है ग्रेविटी के एक्शन के कारण पार्टिकल्स यहां पर सेटल होंगे तो यहां पर जो भी इनऑर्गेनिक बच गया बहुत छोटे साइज का या ऑर्गेनिक मेजरली यहां सिक्सटी परसेंट तक ऑर्गेनिक हट जाता है वो सेटल हो जाएगा अब ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब क्या समझेंगे आप ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब है कि बहुत ही छोटे छोटे साइज के पार्टिकल जो भी कोई आपका मान लीजिए वेजिटेबल्स हो गई कोई भी प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए इनके जो छोटा छोटा बिल्कुल पार्टिकल है जो सबसे छोटे ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो सेटल ही नहीं हो रहे हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में भी जो सेटल नहीं हो रहे हैं इन्हें हम क्या करेंगे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आएंगे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में लाएंगे ताकि वो उसको डीकम्पोज करें और फिर वो उसके बाद क्या हो जाए सेटल हो जाए तो तब इन्हें भेज दिया जाएगा किस में सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाने के बाद क्या होगा अब बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर दिया जब तो वो नीचे सेटल हो जाएगी यहाँ पर ठीक है स्लज बन जाएगी जब स्लेज बन जाएगी वो सॉलिड अलग हो गया पानी में से तो अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम वो बिल्कुल प्योर वाटर हो गया लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल थे जो ऑर्गेनिक पार्टिकल थे इनऑर्गेनिक वाले तो यहीं अट गए ऑर्गेनिक वाले जो बचे जो छोटे साइज के थे जो फ्लोटिंग थे उनको क्या कर दिया यहां पर वो हट गए स्लज फॉर्म में और ऊपर ऊपर से हमने जो ट्रीटेड वाटर इसे क्लियर वाटर नहीं बोलेंगे ट्रीट किया हुआ वेस्ट वाटर जिसे हम रिवर्स के अंदर या ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं जहां पे वो आगे फर्दर अपने आप और प्योरीफाई होता रहे और किसी एनवायरमेंट को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ वेस्ट जो वेस्ट वाटर है उसको भेज दिया जाता तो वो हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता तो हमने उसको क्या किया इन प्रोसेस के थ्रू किया अब ये प्रोसेस वापस आता हुआ क्या दिख रहा है आपको ये प्रोसेस वापस आता हुआ ये दिख रहा है कि ये जो स्लज फॉर्म हुई ना यहां से जो भी एरेशन करवाया आपने हवा इंट्रोड्यूस करवाई मतलब ऑक्सीजन दिया खूब सारा इस वेस्ट वाटर को जिससे कि वो डीकम्पोज हो वेस्ट अब वेस्ट बैक्टीरिया की प्रेजेंस में बैक्टीरिया जो है उसको ऑक्सीजन चाहिए या फिर बैक्टीरिया डीकम्पोज कर रहा है यहाँ पर वेस्ट को तो उसने जब डीकम्पोज कर दिया और यहाँ पर स्लज फॉर्म हो गई तो इस स्लज के अंदर क्या होता है बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा और वो बैक्टीरिया जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस बैक्टीरिया को यहां से उठाया और यहाँ पे लाके वापस ऐड कर दो जिससे कि अब जो फर्दर वेस्ट वाटर आ रहा है उसके अंदर जब ये बायोलॉजिकल रिएक्टर में जाएगा तब इसमें और ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा या फिर इस रिसाइकल्ड जो स्लज है इसको प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में ही डाल दो आप लास्ट से उठा के इसमें से निकाल के कुछ और यहां लाके डाल दो ताकि जब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में शुरू में पानी जब आया तब यहीं पर काफी काम हो जाए या फिर यहां से लेके यहां तक जब वो पानी पहुंचे तो ऑलरेडी उसमें बैक्टीरिया उस वेस्ट को डिकम्पोज कर चुका हो और प्रोसेस हमारा और तेज हो जाए यहां पर तो ये हम कर सकते हैं यहां पर ऑक्सीजन की में अगर हम बात करें तो आप उसे एन डाइजेस्टर के अंदर भी डाल सकते हैं और यहां से मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको मिल जाएगी एन एरोबिक रिएक्शन के अंदर जो स्लज निकलेगी जो बिल्कुल सेटल्ड पोर्शन है जो एकदम बिल्कुल सॉलिड वाला पोर्शन है ये पोर्शन निकल जाएगा इसको आप फर्दर स्लज जो है उसको कैसे हैंडल करना है उसका क्या करना है उसको एग्रीकल्चर के अंदर यूज करना है या कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है वो आप जो है इनका यूज कर सकते हो ओवरऑल बार बार पूरा प्रोसेस जो है यही चलेगा चलो तो समझते हैं एक एक करके ये ओवरऑल बस ऐसे ही एक आइडिया था कि क्या पढ़ेंगे हम और अब शुरू करते हैं यहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेसिस की अगर हम बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं पहला होता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट या वन डिग्री ट्रीटमेंट हम इसको बोल देते हैं वन डिग्री ट्रीटमेंट के अंदर कहां तक का प्रोसेस आता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक तक का प्रोसेस आता है जो भी हमने पढ़ा तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक तक का हम क्या बोल देते हैं प्रिलिमिनरी या फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है यहां तक का हमारा रहता है तो इट रिमूव्स फ्लोटिंग मटेरियल फ्लोटिंग मेटीरियल कहाँ है अब ये देखना इस चैप्टर की अच्छी बात भी कह लो और बुरी बात भी कह लो बार बार वही चीज जो है आएगी कि हमने पहले ही समझ लिया कि यहां से फ्लोटिंग मटेरियल आया यहां पे हट गया तो हमने इसको यही लिखा कि इट रिमूव फ्लोटिंग मटेरियल एंड लार्ज इनऑर्गेनिक पार्टिकल फ्लोटिंग मटेरियल यहां हटे इनऑर्गेनिक पार्टिकल ग्रिट चैम्बर के अंदर हटेंगे यहां पर कंकर पत्थर जो भी है वो यहां पर हट जाएंगे इट कम्प्राइजेस ऑफ स्क्रीन स्क्रीन होंगे यहां पर ग्रिड चैम्बर होगा स्किमिंग टैंक जो भी आप यहां पर ऑयल होता है ग्रीस होता है उनको रिमूव करने के लिए स्किमिंग टैंक और जो आपके ऑयल ग्रीस ट्रैप्स होते हैं इनका आप इस्तेमाल करते हैं फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रीटमेंट यूनिट्स ऑफ प्रिलिमिनरी सिस्टम एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक तो यहां पर सेम ही बात है प्रिलिमिनरी या प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक तक का जो प्रोसेस है वो हम इंक्लूड करते हैं यहां पर

जो बड़ी बड़ी डेबरी होंगी मलबा होगा बड़ा जो कचरा होगा वो तो स्क्रीन हटाएगी इनऑर्गेनिक सॉलिड या जो ग्रिट होगी वो ग्रिट चैम्बर्स के अंदर हटेगी ऑर्गेनिक सॉलिड जो है वो सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर हटेंगे ये जो सेडिमेंटेशन टैंक है प्राइमरी की बात करें तो काफी हद तक यहीं रिमूव हो जाएंगे जो छोटे हैं जो सेटल नहीं हो रहे हैं वो बायोलॉजिकल रिएक्टर में बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करेगा फिर उसके बाद जो है आगे ये यहाँ पर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे जाके सेटल हो जाएगा स्लज की फॉर्म में यहाँ पर तो ये आपके पास ओवरऑल ओवरव्यू है इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम यहां भी हम बात कर रहे हैं किस तक की प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक तक का जो प्रोसेस है डिस्पोजल ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर इज कन्वीनियंट आपको सीधी सी बात है आपके घर में जब आप झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू मतलब आप लगाते हैं जो भी लगाते हैं तो घर में जब झाड़ू लगेगा तो जो डस्ट होती है वो क्या है इनऑर्गेनिक है अगर डस्ट पड़ी है कहीं पर तो वो कोई स्मेल थोड़ी ना क्रिएट कर रही है तो जो भी कंकर पत्थर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स इनवायरमेंट को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं कोई बैड स्मेल नहीं क्रिएट करेंगे कोई वहां पर उनकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड नहीं होता फ्लाई स्प्रेड नहीं होती डिजीजे स्प्रेड नहीं होंगे हो उनकी वजह से इनऑर्गेनिक वालों की वजह से लेकिन ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर आप डस्टबिन जो है आपके डस्टबिन के अंदर किचन का जो भी वेस्ट है सब्जियों के छिलके हैं उसको दो चार दिन पड़े रहने रहने दीजिए और आपने आप देख लीजिए पूरे घर में मतलब क्या हाल हो जाएगा उसकी वजह से तो ऑर्गेनिक मैटर जो है जो सड़ता है जो डीकम्पोज होगा वो हैंडल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्गेनिक तो आपने कंकर पत्थर निकाले और कहीं भी आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो इजीली तो ऑर्गेनिक को हैंडल करना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ग्रेट चैम्बर ना लगाया जाए ग्रिट चैम्बर अगर ना लगाएं आप कहेंगे जी हम तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर ही डाल देते हैं क्यों यहाँ पर ग्रिट चैम्बर का खर्चा करना है ग्रिड चैम्बर के जो पार्टिकल हैं वो यहाँ सेटल होने के बजाय यहाँ आके सेटल हो जाओ सेटल ही तो होना है ये ऑलरेडी हमने टैंक बना रखा है आप यहाँ आओ लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों मिक्स हो जाएंगे और दोनों मिक्स अगर हो गए तो उनको हैंडल करना और भी मुश्किल है अगर दोनों टाइप के पार्टिकल्स मिक्स हो गए तो उनको हैंडल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो ग्रिट चैम्बर होता है इसमें इनऑर्गेनिक को पहले ही हटा दो और इसको आराम से डिस्पोज ऑफ कर दो ऑर्गेनिक आगे के प्रोसेस में हटा रहे हैं और इनको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है इनके बारे में बात करेंगे हम चलो नेक्स्ट हाँ ऑर्गेनिक वेस्ट का एग्जांपल है बचपन में आप बचपन में क्या अभी कुछ टाइम पहले आप हॉस्टल में गए होंगे कॉलेज में गए होंगे या फिर जब कॉलेज टाइम में आप बाहर रहते होंगे तो कभी तो ऐसा हुआ होगा जब डस्टबिन पड़ा होगा पहली बात तो मुझे उम्मीद थोड़ी कम ही है कि आप डस्टबिन वगैरह इन सारी चीज़ों में विश्वास रखते होंगे फिर भी मान रहे हैं सब लोग सभ्य हैं यहाँ पर तो डस्टबिन वगैरह कोई रखा होगा और उसके अंदर कभी घर जाने से पहले उसके अंदर कोई आपने कुछ भी खा पी के कोई छिलके उसके अंदर डाल रखे होंगे कुछ भी वेस्ट तो आप डाल के तो उसमें गए होंगे कोई केले के या फ्रूट्स के छिलके और जब आप तीन दिन चार दिन पाँच दिन जब आपको याद आया कि अरे यहाँ कॉलेज भी है जाना होता है कभी कभी तो आप घर वापस आए होंगे उस जगह और उस डस्टबिन को खोला होगा तो उसमें बिल्कुल सिर्फ आपको लिक्विड के अलावा या एक जो बहुत ही ऐसी अलग ही दर्दनाक जो महक है उसके अलावा कुछ नहीं मिला होगा तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है डीकम्पोज होता है बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज कर देता है तो इसीलिए उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा ये फ्रूट्स कौन खाता है हॉस्टल में पॉइंट 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 चलो आगे बढ़ते हैं ये बात हमें यहाँ पर बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें हैं बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को अलग अलग रिमूव करो इसीलिए ऐसा मत करो कि, कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, में, में तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में साठ से लेकर सत्तर तक सिक्सटी टू सेवेंटी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर हट जाता है 60 टू 70 परसेंट ऑफ जो सस्पेंशन वाली फॉर्म में होता है वो हट जाएगा लेकिन फिर कुछ ऐसे होंगे जो चंचल पार्टिकल जो नहीं सेटल हो रहे हैं उन पार्टिकल को सेटल करवाने के लिए फिर आगे का जो प्रोसेस है हमारा वो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर अब सेकेंड डिग्री की बात करते हैं पहले प्रिलिमिनरी कह लीजिए प्राइमरी कह लीजिए वो बिल्कुल यहां तक था प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का अब पूरी कहानी तो आपको समझ आ रही है ना ये बार बार यही चलेगी स्क्रीन से फ्लोटिंग मटेरियल हटाया फिर कंकर पत्थर हटाए इनऑर्गेनिक पार्टिकल हटाए ग्रेट चैम्बर में फिर जो वेस्ट आया उसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल थे तो 60 से 70 प्रतिशत पार्टिकल तो यहां पर सेटल हो गई और इनको अलग कर लिया लेकिन कुछ जो सेटल नहीं हो रहे थे उनको भेजा आगे बायोलॉजिकल रिएक्टर में ऑक्सीजन के साथ बैक्टीरिया के साथ इनको डिकम्पोज करवाया और फिर ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाके अब ये यहाँ पर सेटल हो गए स्लज की फॉर्म में कुछ स्लज को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया जिससे कि क्या हो जाए बैक्टीरिया का अमाउंट या बायोमास जिसे बोलते हैं वो यहां पे बढ़ जाए ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो जल्द ज्यादा जल्दी काम करेगा ज्यादा जल्दी वेस्ट को डिकम्पोज करेगा प्रतिक कुमार जी ये चीटिंग है ऐसे नहीं होता कि जो ग्रेट चैंबर है उसके अंदर ऑर्गेनिक भी सेटल हो जाएगा ग्रेट चैंबर का डिजाइन पढ़ेंगे हम ग्रेट चैम्बर को डिजाइन करेंगे जो हम वो किसके हिसाब से करेंगे पार्टिकल का नेचर तो अलग अलग है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो अलग अलग है पार्टिकल्स की तो इसको डिजाइन ही ऐसे करेंगे कि ऑर्गेनिक जो है वो यहां पर सेटल ना हो तो सिर्फ इनऑर्गेनिक होगा वहां ऑर्गेनिक यहां आके सेटल होंगे चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब आए सेकेंडरी पे तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद अब ये प्रोसेस जो है हमारे शुरू हो गए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से पहले स्क्रीनिंग में फ्लोटिंग मटेरियल हट गया चेंबर में आपके जो भी कंकर पत्थर इनऑर्गेनिक वेस्ट हट गया अब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में आया पानी तो 60 से 70 परसेंट ऑर्गेनिक वेस्ट यहां पे हट गया अब उस पानी को आप भेज रहे हैं कि इसमें एरेशन रिएक्टर में एरेशन में इसमें खूब सारी एयर प्रेजेंट होगी खूब सारे इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे या जिसे हम क्या बोलते हैं

इस प्रोसेस में यहाँ ऐड कर दो या फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दो जिससे कि ये बहुत सारा बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर आ जाए बायोमास इसमें आ जाए और जैसे जैसे पानी आगे बढ़े वैसे वैसे उसका ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी हो फास्ट हो जाए यहाँ पर पहले ऑर्गेनिक पार्टिकल इसलिए नहीं करवाते क्योंकि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हल्के होते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है हो, उनकी वो जल्दी सेटल नहीं होंगे बड़े पार्टिकल्स बड़े साइज के पार्टिकल्स इनऑर्गेनिक होते हैं इनऑर्गेनिक को पहले ही हटा दो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैवी होंगे अगर आप पहले नहीं हटाएंगे आप कहेंगे नहीं जी हम तो इनको साथ लेके चलेंगे तो सबको साथ लेके चलोगे तो यहाँ लाओगे यहाँ लाओगे ये यह आपके रिएक्टर वियएक्टर जो हैं ये फेल कर जाएंगे इतना सारा कुछ मतलब हैवी इंप्योरिटीज हैं उनको अननेसेसरी आगे क्यों घसीट के लेके जाना है पहले ही उनको सेपरेट करो और इनऑर्गेनिक वेस्ट को कंकर पत्थर को कहीं भी फेंक दो कोई नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएंगे एनवायरमेंट को कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं पे भी यूज कर लो आप उसको जहां पे भी उसको फिलिंग में यूज कर लो स्लेज एक गंदा सा एग्जाम्पल है आप आपके दोस्त होते हैं आप अपने दोस्त को बोलते हो कि ये तो बहुत ही बेकार आदमी है बहुत ही खराब आदमी है ठीक है तो एक तो होता है वेस्ट एक होता है वेस्ट जब कंसंट्रेट हो जाए आपने क्या कर लिया उसको जैसे सिंपल आप जैसे बात करते हैं ना कि जैसे नॉर्मली किसी भी चीज को आप बोलते हो ये तो क्रीम है ये बंदा बहुत अच्छा है ये तो क्रीम है एकदम ये इंसान बहुत अच्छा है क्रीम वाला आदमी है ये तो मतलब पूरा उसका जो अच्छी जो अच्छाई है कंसंट्रेटेड एकदम यहां पर उसी तरीके से आप अपने दोस्त को क्या बोलते हो कि एक तो होता है वेस्ट वाटर एक होता है वेस्ट वाटर की जब सारी इंप्योरिटीज जो है उनको ऑक्सीडाइज करके एकदम आपने बिल्कुल कंसनट्रेट कर दिया स्लज के फॉर्म में यहां पर तो वो क्या है वो आपका प्यारा दोस्त नहीं है ठीक है मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बता रहा हूं कि यहां वेस्ट में से कैसे जो पार्टिकल्स हैं आपने अलग कर लिया चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट ऑफ सेटल स्लज ये पूरी कहानी अंग्रेजी में वही लिखी हुई है आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट इट्स वेस्ट वाटर इज फर्दर ट्रीटेड फॉर द रिमूवल ऑफ कोलॉडल एंड सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर जो पार्टिकल सेटल नहीं हुए जो सोल्यूबल थे घुले हुए थे या कोलॉइडल थे मतलब सेटल नहीं हो रहे थे पानी के अंदर तो उनको हम कहा क्या करेंगे उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हम उनको हटाते हैं इट कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ इनटू बायोमास बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया के साथ जो है उसको हम करवाएंगे यहां पर और उसके बाद वो आके यहां पर सेटल कर जाएंगे यहां पर और कॉन्टेक्ट बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गेनिक मैटर इज ऑप्टिमाइज बाय द सस्पेंडिंग बायोमास एंड और बाय पासिंग वेस्ट वाटर ओवर अ फिल्म ऑफ बायोमास ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बैक्टीरिया के कांटेक्ट में लाना है अब बैक्टीरिया को चाहे तो आप यहां पर पूरे किसी टैंक में डाल दो चाहे किसी सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया को लगा दो और इस वेस्ट वाटर को यहां से उस सर्फेस के ऊपर आप डालते जाए तो उस तरीके से आप करवा लीजिए ठीक है पीछे भेजने वाला यही है कि कुछ स्लज उठाओ यहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया है इस स्लज के अंदर इसको उठाओ और यहाँ पे डाल दो इसका मतलब बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवा दिया वो बैक्टीरिया यहाँ पर खुद भी मल्टीप्लाई होता रहेगा और वेस्ट को जल्दी से डीकम्पोज करता रहेगा अ पार्ट ऑफ सेटल स्लज इन सेकेंडरी क्लैरिफायर या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक की जो यहाँ से स्लज होती है उसको आप वापस यहाँ पर डाल देते हैं इज रीसाइकिल्ड बैक टू एरेटर रिसर्कुलेटिंग अ पोर्शन ऑफ बायोमास मेंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कांटेक्ट विद द वेस्ट वाटर एंड स्पीड ऑफ नोन एज ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच्ड का मतलब किसी किसी सरफेस के ऊपर आप उसको ऐसे फेंक रहे हैं किसी सरफेस के कॉन्टेक्ट में लेके आप उसे आ रहे हैं यहां पर तो अटैच सिस्टम है चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर और अदर मीडिया आर टू इंक्रीज़ द सरफेस एरिया फॉर बायोलॉजिकल ग्रोथ तो जो भी आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा या वहां पर आपके फिल्टर्स हैं स्टोन्स जो प्रेजेंट होंगे उसके अंदर जो भी रिएक्टर्स हैं वहां पर स्टोन प्रेजेंट होंगे स्टोन के कारण ज्यादा सरफेस एरिया जो है वो एक्सपोज होगा सीवेज का किसके साथ बैक्टीरिया के साथ जिससे कि वो जल्दी जल्दी उसको डिकम्पोज करेगा यहां पर जैसे जैसे वो उसको डिकम्पोज करेगा तो उनके ऊपर जो लेयर्स बनेंगी वेस्ट वाटर का ऑर्गेनिक मैटर है वो उसके ऊपर पड़ा है वो उसने बैक्टीरिया ने डीकंपोज कर दिया तो उसकी लेयर्स बनी और बाद में वो पुरानी लेयर्स जो हैं वो पील ऑफ होती जाएंगी हटती जाएंगी उसके ऊपर से यहाँ पर

सोर्स टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया बात बार वही बात जो है घूम के आ रही है यहां पर एफ्लुएंट को रिसाइकिल करने के बाद वेन एफ्लुएंट इज रिसाइकिल्ड ट्रिकलिंग फिल्टर इज नोन एज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर फिल्टर मतलब जहां पर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिएक्ट करवा रहे हो वेस्ट के साथ तो अगर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर दिया और बैक्टीरिया ऐड कर दिया एफ्लुएंट को उसके अंदर डाल के तो उसका रेट बढ़ा रहे हैं आप तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया सेकेंडरी सिस्टम प्रोड्यूस एक्सेस बायोमास दैट इज बायोडिग्रेडेबल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म

तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेस जो हैं और कुछ और भी गैसेस होती हैं कुछ इनर्ट गैसेस हैं वो भी यहाँ पर रिलीज होती चाहे आप इनको एनर्जी के लिए यूज कर लो चाहे इनकी जो बैड स्मेल है वो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर देती है तो उससे भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको तो उसका ध्यान रखो और आपको अगर जैसे मिथेन की बात करें तो यहाँ पर इससे हम एनर्जी ले सकते हैं तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं मिथेन हैज हाई सिग्निफिकेंट हीटिंग वैल्यू एंड मे बी यूज टू मीट अ पार्ट ऑफ पावर रिक्वायरमेंट तो मिथेन को आप इस्तेमाल कर सकते हो कौन सा बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम किस टाइप का बैक्टीरिया होता है हाइड्रोट्रॉप होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं फैकल्टेटिव होते हैं फैकल्टेटिव के बारे में बात की हमने की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी एबसेंस में भी काम करते हैं पोटोट्रॉप की बात की थी हमने चलो ये हो गई हमारी बात फिर टर्चरी ट्रीटमेंट सिस्टम टर्चरी जो है ज़्यादातर नहीं किया जाता है टर्चरी ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर वाटर को वेस्ट वाटर को भी डिसइनफेक्ट करते हैं तो इतना कुछ जरूरी है नहीं क्योंकि इतनी पानी की इतनी भी कमी नहीं है कि जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके फर्दर फिर से यूज किया जाए डोमेस्टिक सप्लाई के लिए तो डिस वगैरह कम ही किया जाता है रेयरली ही किया जाता है लेकिन एपिडेमिक्स के केस में महामारी जब फैल जाती है या कोई और इमरजेंसी सिचुएशन है उस केस में कर सकते हैं जैसे कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कल को भगवान ना करे जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐसा बैक्टीरिया ऐसा वायरस वाटर के थ्रू फैलने लग गया तो वो वेस्ट वाटर में भी जा रहा है जैसे अभी लॉकडाउन क्यों लगाते हैं हम लॉकडाउन इसलिए लगा दिया ताकि जो घर के अंदर है वो तो सेफ रहे जिनको बाहर हॉस्पिटल्स में जो इन्फेक्ट हो गए हैं कुछ भी हो गए उनको चलो ट्रीट करेंगे और बाकी अपने अपने घर के अंदर सब सेफ रहे यहां पर लॉकडाउन का मतलब यही है इसी तरीके से वहां पर फिर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ जाएगी कि जो वेस्ट वाटर है जो साफ पानी घरों तक आ रहा है उसका तो ध्यान रखा ही जाता है डेफिनेटली कि वो पैथोजेंस ना हो उसमें डिस हो वो और फिर अगर कोई कहीं से इंफेक्टेड वाटर भी जा रहा है किसी सोसाइटी से लोकेलिटी से इंफेक्टेड वेस्ट वाटर भी जा रहा है तो उसको भी ट्रीट किया जाएगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है एपिडेमिक्स या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जिससे कि बाद में वो वेस्ट वाटर भी फर्दर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो तो वहां पर तब इनकी जरूरत पड़ेगी अदरवाइज टर्शरी ट्रीटमेंट जो है ये जनरली नहीं किया जाता है स्क्रीनिंग की बात करते हैं देखो ऐसा है वायरस का नाम कोई नहीं ले रहा बट द ट्रूथ इज कुछ लोग जो हैं वो इस चीज में अभी भी थोड़ा सा मतलब यही सोच रहे हैं कोविड केसेस जो हैं वो नीचे चले गए हैं कोविड एक बार अगर होता है उसके बाद उसका इफेक्ट कितने समय तक नहीं जाता है आपकी बॉडी एक बार रिकवर कर जाएगी ठीक है कोविड आपका जो टेस्ट है वो भी आ जाएगा नेगेटिव लेकिन बॉडी को रिकवर करने में इतना टाइम लग जाएगा ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स आएंगे ऐसे ऐसे इश्यूज आते हैं जो आपको खुद को ही समझ नहीं आ रहे और दुनिया में अभी मतलब कितना ही तो फैला है कितनी ही तो रिसर्च हुई है इसके ऊपर तो हर कहीं कुछ ना कुछ अलग जो है उसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इसीलिए चीजों का ध्यान रखें थर्ड वेव जो है जितनी एक्सपेक्टेड है सितंबर का बोल रहे थे उससे भी कितना ही पहले आ रही है ठीक है बहुत सारे डेल्टा वेरिएंट जो है पेशेंट्स मिल चुके हैं तो इसीलिए ध्यान रखें चीजों का अभी भी इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए हमें चलो स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीन जो होती है आपके पास कोर्स मीडियम या फाइन साइज के अकॉर्डिंग यहां पर अलग अलग साइज की होती हैं ग्रेटर देन 50 एमएम mm है इनके बीच की स्पेसिंग तो आप इसे बोलते हैं कोर स्क्रीन 20 से 50 तो मीडियम और 20 से कम तो आप इसे कहते हैं फाइन स्क्रीन तब आप इसे क्या बोलेंगे फाइन स्क्रीन आप कह देते हैं बार्स आर 10 एमएम थिक एंड स्क्रीनस आर प्लेस्ड एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 टू 60 डिग्री 45 से 60 डिग्री के इंक्लाइंड एंगल के ऊपर हम इनको प्रोवाइड कर देते हैं यहां पर और स्क्रीन का साइज जितनी छोटी होगी उतना ही जल्दी वो क्लॉग हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी तो बड़े साइज की स्क्रीन ही यूज करते हैं ताकि बड़ा बड़ा वेस्ट वहां से हट जाए बाकी फर्दर ग्रिड चैम्बर के अंदर हट जाएगा तो ग्रिट चैम्बर की अगर हम बात करें तो ग्रिट चैम्बर क्या होता है ग्रिड चैम्बर आर लोकेटेड बिफोर पंप पंप से पहले होंगे क्योंकि पंप जो है उसके अंदर अगर कंकर पत्थर इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है ये जाएंगे उनको खराब करेंगे नुकसान पहुंचाएंगे तो पंप से पहले आप यूज करते हैं इनको इनको रिमूव कर देते हैं जिससे कि ये वेस्ट अगर रिमूव हो गया तो आगे की जो यूनिट्स हैं उनका मेंटेनेंस इजी हो जाएगा उनमें से भारी वेस्ट जो है उनमें नहीं जाएगा जो यहां से रिमूव कर रहे हैं दे आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स ऑफ लॉन्ग लेंथ एंड स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया तो पतले पतले आप ऐसे कह लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उनका चैनल्स में हम पानी को फ्लो करवा रहे हैं छोटे छोटे चैनल्स के अंदर जो है पानी जा रहा है तो उसके अंदर कंकर पत्थर जो भी और, इनऑर्गेनिक वेस्ट है वो वहां पर सेटल हो रहा है तो इन चैनल्स के अंदर फ्लो इस प्रकार से होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल है वो सेटल हो ऑर्गेनिक वहां पर सेटल ना हो तो ऑर्गेनिक जो है वो सेटल नहीं होना चाहिए अगर वो सेटल हो भी रहा है तो ऑर्गेनिक वाले पार्टिकल होते हैं हल्के स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उनकी कम तो पानी की विलोसिटी बढ़ा दो तो उससे क्या हो जाएगा उससे अगर कोई सेटल हुआ भी होगा तो वो वहां से हट जाएगा ऑर्गेनिक वाला हट जाएगा तो इन ग्रेट चैम्बर विलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड जिससे कि ऑर्गेनिक सेटल ना हो सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक जो है वो यहां पर सेटल हो ग्रेट चैम्बर के अंदर और ग्रेट चैम्बर के डिजाइन की बात करते हैं ग्रेट चैम्बर के डिजाइन की अगर हम बात करें तो ग्रेट चैम्बर जो है पहली बात इट रिमूव्स पार्टिकल्स ऑफ साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉइंट टू एम एम पहली इंपॉर्टेंट बात पॉइंट टू एम एम के बराबर या उससे बड़े पार्टिकल्स ही ग्रेट चैम्बर हटाता है दूसरी बात स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आप कंसीडर करते हैं 2.65 स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी कंसीडर करेंगे पार्टिकल्स की 2.65 ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सरफेस ओवरफ्लो रेट जो हम पहले भी सेडिमेंटेशन टैंक में पढ़ चुके हैं 2160 कंसीडर करते हैं 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे स्टोक्स स्टोक्सलो आप अप्लाई नहीं करते हैं पार्टिकल का साइज पॉइंट टू से लेके mm तक हम बात करते हैं स्टोक्स स्लो और यहां पर पार्टिकल का साइज हम पॉइंट टू से लेके इससे बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए ही ग्रिड चैम्बर यूज कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो की वेलोसिटी जो मानते हैं हम या वाटर जो फ्लो कर रहा है वो पॉइंट फिफ्टीन से पॉइंट थर्टी मीटर पर सेकेंड तक और डिटेंशन टाइम कितने समय तक हम मान रहे हैं वहां पर कि पार्टिकल सेटल हो जाएगा क्योंकि इनऑर्गेनिक पार्टिकल है हैवी होता है जल्दी सेटल हो जाएगा 40 से लेके 60 सेकेंड हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं इसकी डेप्थ होगी एक से लेके 1.5 मीटर फ्री बोर्ड ऊपर का बोर्ड आप ऐसे समझ लीजिए कि चैनल्स जा रहे हैं आपके ऐसे से ग्रेट चैम्बर के चैनल्स हैं एक से डेढ़ मीटर डेप्थ के और फ्री बोर्ड जो ऊपर से वो खाली रहेंगे पॉइंट थ्री मीटर तक वो रहेंगे लेंथ ऑफ चैनल इज जनरली इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट फॉर इनलेट एंड आउटलेट टर्बुलेंस चलो अभी ग्रिड चैम्बर जो है ये कल से ही करेंगे दोस्तों कुछ अर्जेंट इमरजेंसी काम है अभी तो नेक्स्ट में करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन कल सुबह नौ बजे ग्रिड चैम्बर के डिजाइन से हम शुरू करेंगे इतना बेसिक बेसिक जो प्रोसेस है ये बार बार यही रिपीट होके आएगा आप एक बार इसे पढ़िएगा ग्रिड चैंबर के जो आपका डेटा है इस डेटा को आप याद कर लीजिएगा यहाँ पर ठीक है और ग्रिड चैम्बर का जो डिजाइन है ये कल शुरू करेंगे हम यहाँ पर डिजाइन इस क्वेश्चन के थ्रू कल सुबह नौ बजे ग्रिड चैम्बर शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली 8 पीएम तक बाय 8 पीएम 8 पीएम पे हमने क्लास रख रखी है अभी जो अन अकेडमी की स्पेशल स्टील डिज़ाइन की है वो होगी लेकिन टू अवॉइड एनी मतलब लेट ना हो तो 10 बजे कर दूंगा मैं अभी वो रि रिस्कड्यूल हो जाएगी 10 पीएम के ऊपर जो 4 बजे क्लास होनी थी वो आपकी 10 बजे होगी रात को दोस्तों ठीक है अभी बस एक दो दिन का ऐसा है थोड़ा सा स्केड्यूल का प्रॉब्लम उसके बाद आपको प्रॉपर स्केड्यूल से ही सारी क्लासेज जो हैं वो मिला करेंगी सो अभी दो तीन दिन बस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप और मैं जितना हो पा रहा है जैसे हो पा रहा है जिस जिस टाइम पे हो पा रहा है आई एम ट्राइंग टू टेक क्लासेस और विद इन विद इन टू थ्री डेज आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन तो तब जो प्रॉपर स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस जो हैं वो आपकी चलेंगे ओके थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय